हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का एक ऐसा इंपोर्टेंट वीआई क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा सके हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर रूट अंडर दो, रूट अंडर तीन और रूट अंडर पांच का परिवेश है क्या है, इसे हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे आज का पहला सवाल देख पा रहे हैं, कहता है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर दो का परिवेश है क्या है, सिद्ध करें कि रूट अंडर तीन का परिवेश है क्या है। फिर दिया गया है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर पांच अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग सर्व करेंगे कि सिद्ध करें कि रूट अंडर दो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पे कि माना कि रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं दोस्तों, माना कि रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या है। आप सभी को परिमेय संख्या का परिभाषा मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, उससे ही परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा अर्थात रूट अंडर दो बराबर p बटा q, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में हमें लिखना होगा कि दोनों तरफ या दोनों ओर लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर। अब हमें क्या करना होगा कि रूट अंडर दो और यहाँ पे पी बटा क्यू, दोनों में हमें वर्ग कर देना होगा। वर्ग कैसे किया जाता है, तो रूट अंडर दो है तो इसका हमें स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे दिया गया पी बटे क्यू, इसका भी हमें स्क्वायर कर देना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो यहाँ पे केवल दो बचेगा, उसके बाद में पी का स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे केवल दो है, तो यदि हम यहाँ पे दो क्यू लिखेंगे यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर और यहाँ पे क्यू स्क्वायर में से एक क्यू यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे केवल क्यू बचा है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ क्या लिखते हैं दोस्तों, जहाँ दो क्यू एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे दो क्यू जो है एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में लिखते हैं कि तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है। उसके बाद में हमें लिखना होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, यह मान्यता गलत है, इसीलिए रूट अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, यदि आपको समझ में ना भी आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि माना कि रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में हम जब लिख देते हैं कि माना कि रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि रूट अंडर दो बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि जब रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या जब हम मान लेंगे तो परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो रूट अंडर दो बराबर पी बटा क्यू लिखे हैं। उसके बाद में लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ पे हमने रूट अंडर दो का वर्ग किया, यहाँ पे पी बटा क्यू का वर्ग किया, स्क्वायर से रूट कटा तो यहाँ पे केवल दो बच गया है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख गए हैं। उसके बाद में क्या हुआ है, देखिए क्यू स्क्वायर का मतलब यहाँ पे दो क्यू था, एक क्यू यदि दो के पास में आएगा तो यहाँ पे केवल क्यू पी स्क्वायर बटा क्यू बचेगा, जो कि यहाँ पे सेम टू सेम लिखा गया है। उसके बाद में ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये दो क्यू जो देख पा रहे हैं यह आपका पूर्णांक संख्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है। कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकते हैं, यह मैथमेटिक्स का नियम के अनुसार गलत है, इसीलिए रूट अंडर दो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे ना जी। उसके बाद में बात करते हैं रूट अंडर तीन के बारे में, तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा गया था कि सिद्ध करिए कि रूट अंडर तीन एक अपरिमेय संख्या है।
तो आपको क्या करना है कि जहां जहां पे हम रूट अंडर दो का बनाएंगे वहां पे रूट अंडर तीन करते जाइए, रूट अंडर तीन करते जाइएगा, आपका क्वेश्चन का सही जवाब बनके तैयार हो जाएगा। लिखना होगा कि माना कि रूट अंडर तीन का परिमेयसन क्या है, सॉरी परिमेयसन क्या है, फिर लिखेंगे रूट अंडर तीन बराबर पी बटा क्यू, दोनों और वर्ग करने पे तो रूट अंडर तीन का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में पी बटा क्यू का भी स्क्वायर करेंगे, स्पेस रूट कटा तो यहाँ पे केवल तीन बच जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू को जेब करते लिख देंगे, उसके बाद में लिखेंगे जहाँ पे तीन क्यू एक, जहाँ पे तीन क्यू एक पूर्णांक संख्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न संख्या है। मैथमेटिक्स का नियम कहता है पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए रूट अंडर तीन एक अपरिमेय संख्या। बात करते हैं कि रूट अंडर पांच एक अपरिमेय संख्या होता है, आपको क्या करना है कि जहाँ पे रूट अंडर तीन दिया गया है उसी के बदले में रूट अंडर पांच कर दीजिएगा, कि माना कि रूट अंडर पांच एक अपरिमेय संख्या है अर्थात रूट अंडर पांच बराबर पी बटा क्यू, उसके बाद में क्या कीजिएगा कि दोनों वर्ग कर दीजिएगा, इधर रूट अंडर पांच का स्क्वायर इधर पी बटा क्यू का स्क्वायर, उसके बाद में इधर आ जाएगा पांच क्यू उधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू, उसके बाद लिख दीजिएगा कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या यह मान्यता गलत है, इसीलिए रूट अंडर पांच एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करते हैं इस वीडियो में रूट अंडर तीन, रूट अंडर पांच, रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या है, ऐसे तमाम क्वेश्चनों को ज्ञात करने का आप सिंपल से सिंपल तरीका सीख गए होंगे, है ना जी। यदि आप सभी को रूट अंडर दो, रूट अंडर तीन और रूट अंडर पांच एक परिमेय संख्या है, इसे ज्ञात करने का तरीका इस वीडियो से भी आप सीख ही चुके होंगे, तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर दसवीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे द्वारा दसवीं बारहवीं ग्यारहवीं आरटीआई और बोर्ड एग्जाम पैरामीटर की तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्राओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया गया है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप दसवीं बारहवीं का बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। तो हम जल्द लेंगे ऐसे ही दसवीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा 70 क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।